पश्चिम बंगाल में आज फिर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ममता के दो मंत्रियों सुजीत बोस और तापस रॉय के ठिकानों पर आज ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने इसी के साथ उत्तरी दमदम नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सुबोध चक्रवर्ती के घर भी छापेमारी की। मामले को लेकर विपक्ष ने टीएमसी के विरोध में प्रदर्शन भी किया। चोर का घर में ईडी का रेट तो होगा ही, चोर है। टी-शर्ट दे। सुजीत बोस इन्वॉल्व साउथ दमदम म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम। हिज टू डायरेक्ट रिलेटिव एंगेज इन कामाराटी म्युनिसिपैलिटी। तापस राय ऑल्सो इन्वॉल्व इन बरानगर म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम। वी बेंगल पीपल वी द यूथ वी वांट दे शुड गो टू बिहाइंड द बार। नगर निगम नौकरी घोटाला मामले में छापेमारी। ईडी ने कथित नगर निगम नौकरी घोटाला मामले के सिलसिले में कोलकाता में बंगाल के नेताओं के घर सुबह सुबह छापेमारी की। बता दें कि कुछ दिन पहले ही राशन घोटाले में रेड के दौरान ईडी के अधिकारियों पर हमला किया था। हमले में कई अधिकारियों को चोट भी आई थी और गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए थे। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट की तलब की थी। ईडी ने अधिकारियों को जान से मारने का लगाया आरोप। हमले के बाद ईडी ने बंगाल में एफआईआर भी दर्ज कराई थी और अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हमलावर उसके अधिकारियों को जान से मारना चाहते थे। अपने आरोप में ईडी ने कहा कि हमलावर लाठी पत्थर और ईंट से भी लैस थे और उन्होंने अधिकारियों के निजी और आधिकारिक सामान जैसे मोबाइल लैपटॉप और नकदी आदि को भी छीन लिया था। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर भी हुई थी छापेमारी। बता दें कि ईडी ने इससे पहले टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर रेड की थी। छापेमारी के दौरान ही ईडी की टीम पर शाहजहां के समर्थकों द्वारा हमला बोल दिया गया था। हमले में कई अधिकारियों को गंभीर चोटें आई थी और कई अधिकारियों का सिर भी फोड़ दिया गया था।